Dear student, Assalam Alaikum. आज हम अलजबरा 1 स्टार्ट करेंगे. अलजबरा 1 के अंदर जिन चीजों को हमने डिस्कस करना है वो है ग्रुप. पहले नंबर पे हम ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ ग्रुप. उसके बाद एबेलियन ग्रुप एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप. इन तीन चीजों को हम डिस्कस करेंगे. पहले What is a group? Let G be a non-empty set on which a binary operation is defined closed. Then appear G is called group if teen conditions agar usme satisfied ho jaye. Binary operation is associative. There exists an element E in G such that A binary operation E is equal to E binary operation A is equal to A for all A belong to G. Third, for each element A belong to G, there exists A inverse also belong to G such that A binary operation A inverse is equal to A inverse binary operation A is equal to E. A inverse is called inverse of A. जैसा कि ये definition आप देख रहे हैं group की, तो इसमें हमने तीन चीजों को डिस्कस किया है. उन तीन चीजों जो तीन प्रॉपर्टीज हैं उससे पहले हमारे पास एक सेट होना चाहिए जी, और वो नॉन एम्प्टी हो. उस सेट जी के ऊपर हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करवाना है. वो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का भी हो सकता है और मल्टीप्लीकेशन का भी हो सकता है. और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट में मैंने लिखा है क्लोज्ड, तो वो जो सेट जी होगा हमारे पास उस पे आप जो भी बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लगाते हैं तो वो एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड होगा, और अगर आप मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से क्लोज्ड होगा. तो ये जो पेयर बनेगा जी सेट और जो भी उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाएगा इस फॉर्म में उसको हम लिखेंगे. इसको उस वक्त ग्रुप कहेंगे कि अगर तीन कंडीशन फुलफिल हो. अब पहली कंडीशन में जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए. एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी ये है कि आपने उस ग्रुप जी के कोई से भी तीन एलिमेंट ले लेने हैं. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, आपने तीन एलिमेंट्स लिए जो कि जी में बिलोंग करते हैं, और उन तीन एलिमेंट्स को आपने ए बाइनरी ऑपरेशन बी इनटू बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन इनटू बी बाइनरी ऑपरेशन सी. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इट्स मीन दैट कि उस सेट जी पर जो हम बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं वो एसोसिएटिव है. उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपसे कहा देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई. ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट. तो सेट जी जो होगा उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज करेंगे तो वो जीरो होता है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वन होता है. तो जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो आप बाइनरी ऑपरेशन जो भी आप यूज करेंगे उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ कोई भी एक एलिमेंट आपने जी सेट कर लिया ए, ए बाइनरी ऑपरेशन ई या आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन उसी सेट ए के एलिमेंट ए के साथ यूज करेंगे तो वो दोबारा हमारे पास ए ही आएगा. इट्स मीन दैट कि आइडेंटिटी उस सेट के अंदर एग्जिस्ट करती है. लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि हमने कहा कि कोई भी एक एलिमेंट ए ले सेट जी में से, और उस एलिमेंट का इनवर्स भी उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए. और अगर तो ये तीनों प्रॉपर्टीज किसी सेट के अंदर मौजूद हो तो वो सेट हमारे पास क्लोज सेट कहलाता है. अब हम बात करेंगे एबेलियन ग्रुप की कि एबेलियन ग्रुप क्या होता है. अब हम बात करेंगे एबेलियन ग्रुप की. जैसा कि आपने ग्रुप की तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी, अगर तो किसी सेट जी के ऊपर वो तीनों प्रॉपर्टीज फुलफिल हो और उसके साथ एक आप और प्रॉपर्टी ऐड कर लें, कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल हम सेट जी के कोई से दो एलिमेंट ले लेते हैं ए और बी, और ए बाइनरी ऑपरेशन बी और बी बाइनरी ऑपरेशन ए. अगर ये दोनों आपस में सेम इक्वल आ जाते हैं तो इट्स मीन दैट के सेट जी के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है. कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? चार प्रॉपर्टीज हो गई. मैं दोबारा अगेन उसको रिपीट करूंगा. नंबर वन, पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी? एसोसिएटिव लॉ. जो सा भी आप सेट लेंगे जी उसके ऊपर पहले नंबर पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए.
नंबर टू आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, नंबर थ्री जितने भी उस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए तो वो ग्रुप कहलाता है। अगर उस ग्रुप के अंदर चौथी प्रॉपर्टीज आप ऐड कर देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट कर जाएगी तो इट्स मीन दैट वो जो सेट जी होगा वो क्या कहलाएगा, एबिलियन ग्रुप। हेंस जी बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एबिलियन ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने ग्रुप और एबिलियन ग्रुप को डिस्कस किया। अब हम इससे रिलेटेड कोई एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप की तरफ चलेंगे। जी स्टूडेंट, तो जैसा कि ये एग्जांपल है, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जी जिसके अंदर दो एलिमेंट दिए हुए हैं, एक वन और एक माइनस वन। तो हमने भी प्रूफ ये करना चाह रहे हैं कि क्या जी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन। हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन देखना है कि क्या ये सेट जी ग्रुप है या नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपने काम करना है कि सबसे पहले तो आप जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसका एक टेबल बना लें। हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन करना है, तो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास किसका आएगा, मल्टीप्लीकेशन का। एलिमेंट हमारे पास एक है वन और एक है माइनस वन, इसी तरह वन और माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन, वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस वन, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस वन, एंड माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस वन। अब ये एक टेबल हमने इसलिए बनाया कि इस टेबल को देखकर हमें बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन हम इजीली कर सकते हैं कि इस टेबल के अंदर ये जो इसका सोल्यूशन आया है हमारे पास, ये वाले जो चार एलिमेंट्स हैं, अब अगर आप गौर करें तो क्या इसमें से कोई एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट के अंदर मौजूद ना हो? नो, तमाम एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ग्रुप की पढ़ी थी कि ग्रुप जी जो होगा वो क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो वो वाली प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल होती है, क्योंकि क्लोज्ड का मतलब ही ये होता है कि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो जितने भी आंसर्स आएंगे वो दोबारा उसी सेट के अंदर मौजूद होने चाहिए, तो वो सेट क्लोज्ड होता है। तो ये हमारे पास क्लोज्ड है, तो हम यहां पे लिख देंगे कि जी इज फ्रॉम टेबल, इट इज क्लियर दैट G is closed under multiplication. फिर हमने जो तीन प्रॉपर्टीज में एक एसोसिएटिव लॉ पढ़ा तो वो हम चेक कर लेते हैं। वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, जैसा कि हमारे पास एलिमेंट इसमें है वन माइनस वन, तो अब हम अगर ले लेते हैं वन माइनस वन, माइनस वन बिलोंग्स टू जी, तो ये वाले एलिमेंट हमारे पास सेट जी के अंदर मौजूद है। आप वन को भी टू टाइम्स ले सकते हैं, लेकिन हमने एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है तो उसके लिए हमारे पास तीन एलिमेंट्स का होना जरूरी है। तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट सेट जी के अंदर मौजूद है, तो अगर हम लिखें माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन is equal to minus 1 multiplied by minus 1 and multiplied by 1. तो ये हमारे पास minus 1 multiplied by minus 1 multiplied by 1 minus 1 minus 1 multiplied by minus 1 1 और minus 1 multiplied by minus 1 1 is equal to 1 multiplied by 1 1. ये हमारे पास associative law fulfill होता है। तो ये दूसरी कंडीशन भी हमने प्रूव कर ली कि एसोसिएटिव लॉ भी इस सेट जी के अंदर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने कहा था कि हमने आइडेंटिटी को शो करना होता है,
तो मैंने जैसा कि आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि आइडेंटिटी दो तरह की होती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो आइडेंटिटी होती है वो जीरो होती है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी वन होती है। तो वन ऑलरेडी इस सेट जी के अंदर मौजूद है, तो इट्स मीन दैट की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, वन बिलोंग टू जी, सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन जी। और लास्ट प्रॉपर्टी ये थी कि जितने भी हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे सबका इनवर्स भी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब हमने वन का इनवर्स चेक करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हम चेक कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी वन होती है, तो इनवर्स ऑफ वन हमने चेक करना है, तो उसका क्या तरीका कहा है, आप टेबल में जाएं, टेबल में देखें जो जो आइडेंटिटी है हमारे पास, यानी कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वन जो है हमारे पास क्या कहलाती है, ये आइडेंटिटी कहलाती है। तो इस वन को वन मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू वन, तो वन का इनवर्स हुआ हमारे पास वन, इनवर्स ऑफ वन इज इक्वल टू वन, और माइनस वन को हमने माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर वन आया, तो इट्स मीन दैट कि इनवर्स ऑफ माइनस वन हमारे पास क्या हुआ, माइनस वन, क्योंकि जिस तरह हमने वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वन आया, आंसर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो इसका मतलब वन का इनवर्स वन है, और माइनस वन को ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी आती है, तो माइनस वन का इनवर्स भी माइनस वन होगा, तो ये दोनों एलिमेंट जो होंगे वो सेट जी के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब कि हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो सेट में एग्जिस्ट करता है, तो सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप की फुलफिल हो गई, तो इसलिए हमारे पास हेंस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप exist in set G, therefore G is a group under multiplication. तो स्टूडेंट ये हमारे पास एग्जाम्पल थी ग्रुप की जो कि हमने प्रूव की कि G हमारे पास एक ग्रुप है। स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल हमारे पास है लेट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के, वेयर आई इंटू जे इज इक्वल टू के, जे इंटू के इज इक्वल टू आई, के इंटू आई इज इक्वल टू जे, जे इंटू आई इज इक्वल टू माइनस के इंटू जे इज इक्वल टू माइनस आई, आई इंटू के इज इक्वल टू माइनस जे, I square, J square, K square equal to minus one. Proof हमने ये करना है कि G एक non-abelian group है, जैसा कि हम पहले abelian group के बारे में discuss कर चुके थे, जिसमें हमारे पास closed associative identity, inverse of each element exists in set G और commutative law. तो हमने ये सारी properties check करनी है कि क्या आया इस set G के अंदर ये तमाम properties एग्जिस्ट करती हैं, अगर तो करती हैं तो वो एबिलियन ग्रुप होगा, अदरवाइज वो नॉन एबिलियन ग्रुप कहलाएगा। तो हम इसको चेक करते हैं, तो जैसे कि हमने ग्रुप के लिए एक सबसे पहले टेबल बनाया था, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम सबसे पहले यहां पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे, हमारे पास माइनस वन प्लस वन माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस जे प्लस जे माइनस के और प्लस के दिया हुआ है, माइनस वन प्लस वन माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस जे प्लस जे माइनस के और प्लस के, ये हमारे पास इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो
अब यहां पे हमने बाइनरी ऑपरेशन कौन सा यूज करना है, जैसा कि क्वेश्चन अगर आप गौर से देखें तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें हमें ये बताया हुआ है कि आई और जे इनमें मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट्स मीन दैट कि हमने इसको चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे हम मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करेंगे, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इज इक्वल टू वन, माइनस वन वन माइनस वन के आयोटा माइनस आयोटा जे माइनस जे के एंड माइनस के आ जाएगा। वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन वन माइनस आयोटा आयोटा माइनस जे जे माइनस के एंड के हमारे पास आ जाएगा। अब हमने माइनस आई को माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस आई माइनस वन आई, माइनस आई को वन से करेंगे तो माइनस आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आई मल्टीप्लाई बाय आई आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर हमें बताया हुआ है कि वो माइनस वन के इक्वल है, तो यहां पे हमारे पास माइनस वन आ जाएगा। माइनस आई को प्लस आई से करेंगे तो हमारे पास माइनस आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर माइनस वन के इक्वल है, जब हमारे पास माइनस आई स्क्वायर आएगा तो आई स्क्वायर माइनस वन दिया हुआ है, इट्स मीन दैट इक्वल टू वन हमारे पास आंसर होगा, तो यहां हमारे पास आ जाएगा वन। माइनस आई को माइनस जे के साथ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आई मल्टीप्लाई बाय जे, तो आई मल्टीप्लाई बाय जे हमारे पास ये दिया हुआ है जो कि के के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हमारे पास के आ जाएगा। माइनस आई को जे से देंगे तो माइनस आई मल्टीप्लाई बाय जे, और आई मल्टीप्लाई बाय जे के है तो माइनस के आ जाएगा। माइनस आई माइनस के तो आई मल्टीप्लाई बाय के आएगा, और आई मल्टीप्लाई बाय के जो है हमारे पास वो k मल्टीप्लाई बाय आई या आई मल्टीप्लाई बाय k जो है वो j के इक्वल दिया हुआ है। एक्सक्यूज मी, सॉरी माइनस j, क्योंकि ये माइनस आई को माइनस k के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस i इंटू k, और i इंटू k माइनस j के इक्वल दिया हुआ है। तो सॉरी स्टूडेंट्स, वो इसको हम ठीक कर लेते हैं कि i माइनस i मल्टीप्लाई बाय माइनस k इज इक्वल टू माइनस j, माइनस i मल्टीप्लाई बाय माइनस k इज इक्वल टू माइनस j के इक्वल आ जाएगा। और माइनस i को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस i मल्टीप्लाई बाय k, तो माइनस i मल्टीप्लाई बाय k, और i मल्टीप्लाई बाय k हमारे पास क्या है, माइनस j, तो ये प्लस j हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट, माइनस i I I मल्टीप्लाई बाय I I स्क्वायर माइनस वन, तो के वन के इक्वल हो जाएगा। I I I स्क्वायर माइनस वन, I को माइनस जे से देंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस आई जे, और ये आई जे हमारे पास k के इक्वल है तो ये माइनस k हो जाएगा। इसी तरह I को j के साथ देंगे तो हमारे पास k हो जाएगा, ये प्लस j हो जाएगा, और यहाँ इसी तरह माइनस j आ जाएगा। अब हम माइनस जे को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जे को माइनस वन से करेंगे तो ये जे आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे आई हमारे पास माइनस के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह जे आई हमारे पास माइनस प्लस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और माइनस जे को माइनस जे के साथ देंगे तो वो प्लस जे स्क्वायर हो जाएगा जो कि माइनस वन के इक्वल होगा, ये वन के इक्वल आ जाएगा। और फिर हम माइनस जे को माइनस के साथ देंगे तो जे के आ जाएगा जो कि आई के इक्वल दिया हुआ है, और माइनस जे को के साथ देंगे तो माइनस आई आ जाएगा। इसी तरह जे लेंगे तो ये सिर्फ साइन चेंज होंगे, बाकी सेम हमारे पास वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाएंगे। माइनस के साथ करेंगे तो यहां हमारे पास के आ जाएगा, और यहां हमारे पास माइनस के आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के और आई के आई हमारे पास जे के इक्वल दिया हुआ है तो ये जे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जे हो जाएगा, और माइनस के को माइनस जे के साथ देंगे के जे जो कि माइनस आई के इक्वल है, पॉजिटिव आई आ जाएगा। माइनस के को माइनस के साथ देंगे तो प्लस के स्क्वायर हो जाएगा जो कि माइनस वन है, और ये हमारे पास वन के इक्वल आ जाएगा। देन के माइनस के हो जाएगा माइनस जे,
जे हो जाएगा आई माइनस आई वन और माइनस वन, तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। ये हमने इस सेट का एक टेबल क्रिएट कर लिया। अब इस टेबल की मदद से हम इसकी तमाम प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस टेबल के अंदर ये जितनी भी हमारे पास ये एलिमेंट्स हमने जो इसका आंसर जो आया है, क्या कोई एलिमेंट इनमें से ऐसा है जो इस सेट जी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता? नो, ये तमाम के तमाम एलिमेंट इस सेट जी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ, ये सेट जो जी है ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। आप मल्टीप्लीकेशन का साइन भी यूज कर सकते हैं। अब टेबल को देखें, टेबल को देखते हुए कोई एक ऐसा एलिमेंट बताएं कि जो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर वही बात कि इस सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स ये वाले मौजूद है। तो इससे ये साबित हुआ कि एसोसिएटिव लॉ भी एग्जिस्ट करता है। जी मल्टीप्लीकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होती है? वन। तो वन हमारे पास इस सेट के अंदर मौजूद है, तो वन बिलोंग्स टू जी। सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन सेट जी। ग्रुप की लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो इस सेट के अंदर हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट है, तो इनवर्स ऑफ 1, इनवर्स ऑफ माइनस 1, इनवर्स ऑफ आई, इनवर्स ऑफ माइनस आई, इनवर्स ऑफ जे माइनस जे, इनवर्स ऑफ के और माइनस के, इनके हमने इनवर्स चेक करने हैं। तो स्टूडेंट्स हमने कहा कि इनवर्स क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट है जैसा कि वन है, तो वन को किसी एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें जिससे मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो उसका इनवर्स होता है। अब हमें हमारे पास जो आइडेंटिटी है उनको हम जरा सर्कल कर लेते हैं टेबल में। माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो वन आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस वन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हुआ, माइनस वन। वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वन आ जाएगा, तो इनवर्स ऑफ वन हमारे पास क्या हो गया, वन। माइनस आई को हमने आई से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वन आया, माइनस आई को आई से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर वन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आई का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हुआ, आई। और आई को आई माइनस आई से मल्टीप्लाई करने से वन आ रहा है, तो आई का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स माइनस आई हो जाएगा। माइनस जे को जे से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जे और जे का माइनस जे हो जाएगा। के को हमने माइनस के से मल्टीप्लाई किया तो वन आया, तो के का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स माइनस के हो जाएगा, उसी तरह माइनस के का के हो जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आए हैं ये सब के सब सेट जी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो भी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास सेट ग्रुप हो गया, ये हमने ग्रुप तो प्रूफ कर लिया कि ये सेट ग्रुप कहलाता है। एंड लास्ट वन इज हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो सेट जी है ये ग्रुप तो है, क्या ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप है या नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो उसके लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट फुलफिल करवानी है, कम्यूटेटिव लॉ। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए हम जैसा कि क्वेश्चन में ही हमारे पास दिया हुआ है कि आई को जे से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, के, और जे को आई से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो आंसर क्या आता है, माइनस के। तो आई जे और जे आई, आई जे और जे आई, ये दोनों आपस में सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ इसमें एग्जिस्ट नहीं करता।
तो यहां हम लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट एग्जिस्ट इन सेट जी, देयरफॉर जी अंडर मल्टीप्लीकेशन इज नॉन एबिलियन ग्रुप. डियर स्टूडेंट, आई होप सो के आपको ये ग्रुप और एबिलियन ग्रुप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी. मैंने इसकी आपको एग्जाम्पल्स भी बता दी, आपको एग्जाम्पल्स भी समझ आ चुकी होंगी. अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के बारे में. जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के बारे में. तो हमारे पास ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉ. कैंसिलेशन लॉ में लेट ए बी सी बी थ्री एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी, देन A, B is equal to AC implies that B is equal to C. This is the cleft cancellation law. Second, BA is equal to CA implies that B is equal to C. Right cancellation law. Isko hum prove bhi karte hain. To first, jo humare paas tha, usme humare paas humne prove karna hai ki AB is equal to AC implies that B is equal to C. Yani ki left cancellation law ko hum prove karenge. तीन एलिमेंट्स लिए हमने, लेट ए बी सी बिलोंग टू जी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी जो कि हमें गिवन है. ए किसमें बिलोंग करता है, सेट जी में. और जी क्या है हमारे पास, जी हमारे पास एक ग्रुप है जो कि हम यहां पे बता चुके हैं डेफिनेशन में कि जी एक ग्रुप है. अगर जी ग्रुप है तो जी के अंदर इसका जितने भी एलिमेंट होंगे उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है. तो अगर आपने एक एलिमेंट ए लिया है जी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का इनवर्स भी उस ग्रुप जी के अंदर एग्जिस्ट करेगा. तो हमारे पास सेट जी के अंदर ए मौजूद है, तो उसका ए का इनवर्स भी मौजूद है. और जी जैसा कि एक ग्रुप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर हम एसोसिएटिव लॉ भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ भी एग्जिस्ट करता है. तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हमारे पास A का इनवर्स भी गिवन है. तो A इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू ए सी. A इनवर्स हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू ए बी, A इनवर्स A इंटू सी. तो हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ है. हम क्योंकि ये ग्रुप है तो ग्रुप एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए एसोसिएटिव लॉ यहां पर फुलफिल हो गया. और इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, आइडेंटिटी is equal to B, identity is equal to C, तो B is equal to C आ जाएगा, क्योंकि identity को B से multiply करेंगे तो B आएगा, C से multiply करेंगे तो C आएगा. तो ये पहली property हमारे पास इसकी first property का जो first result था वो हमने prove कर दिया. अब हम second result की तरफ आते हैं. BA is equal to CA implies that B is equal to C, right cancellation law. तो BA is equal to B, CA implies that B is equal to C, तो same हम तीन एलिमेंट्स लेंगे जो कि जी के अंदर मौजूद है. और बी ए इज इक्वल टू सी, हमारे सी ए हमारे पास गिवन है. और ए अगर बिलोंग करता है तो इनवर्स भी करता है, सेम उसी तरीके से हम एक इनवर्स को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये राइट कैंसिलेशन आप प्रूव करें, तो इसलिए राइट साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. और एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करेगा क्योंकि जी हमारे पास ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है. तो ये हमारे पास आइडेंटिटी और सेम वाइक बी इज इक्वल टू सी, इस थ्योरम की तरह ये हमारा प्रूफ हो जाएगा. अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी में स्टेटमेंट ये है, फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए बी इन ग्रुप जी, देन द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन. तो इसमें दो इक्वेशन है हमारे पास, एक है ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक है हमारे पास एक्स ए इज इक्वल टू बी. हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन रखती है. तो सबसे पहले तो हम पहली इक्वेशन लेते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी. जैसा कि हमें पता है ए जी में बिलोंग करता है और जी एक ग्रुप है, तो इसका इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट करेगा. तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे इनवर्स को. ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. जी एक ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ भी उसमें एग्जिस्ट करता है, तो बाय एसोसिएटिव लॉ हम उसकी प्रॉपर्टी को फुलफिल करेंगे.
ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आइडेंटिटी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास एक्स आके अब बाकी बचेगा, तो इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये हमारे पास एक्स बराबर आ गया ए इनवर्स बी के, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू बी जो इक्वेशन थी उसका हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन तो आ गया हमारे पास इस इक्वेशन का, लेकिन हमने चेक ये करना है कि आया इसका सोल्यूशन यूनिक है, क्या एक से ज्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं इस इक्वेशन के। तो नो, वी शैल प्रूव सोल्यूशन इज यूनिक। अब हम चेक करेंगे, इस चीज को साबित करेंगे कि सोल्यूशन जो है ए एक्स इज इक्वल टू बी इक्वेशन का वो यूनिक होगा। तो सपोज कर लेते हैं हम, देखिए किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए हम उसको एक डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, एक हमारे पास इनडायरेक्ट प्रूफ भी होता है। तो यहां हम इसको सपोजिशन की मदद से प्रूफ करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि इसके एक से ज्यादा सोल्यूशन है। तो सपोज देयर आर टू सोल्यूशंस, से x1 एंड x2 ऑफ ax इज इक्वल टू b, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन है ax इज इक्वल टू b, हम सपोज कर लेते हैं कि इसका एक नहीं दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन को हमने सपोज कर लिया x1 के इक्वल और दूसरे सोल्यूशन को सपोज कर लिया x2 के इक्वल। किसी भी इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं वो बेसिकली उसके रूट्स भी कहलाते हैं और वो उस इक्वेशन को फुलफिल भी करते हैं, सेटिस्फाइड भी करते हैं। तो अगर x1 और x2 ये दोनों ax is equal to b के सोल्यूशन है, तो x1 और x2 ये दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेंगे। तो हम अगर x1 को इसके अंदर पुट करते हैं x की जगह, तो ax1 x2 is equal to b, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 किसके इक्वल थी, b के। इक्वेशन 2 में b ax2 किसके इक्वल था, b के। तो बोथ आर सेम, तो बाय 1 एंड 2 ax1 is equal to ax2 के इक्वल आ जाएगा। तो बाय कैंसिलेशन लॉ हम a से a हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी x1 is equal to x2 हमारे पास आ गया। यहां हमने क्या कहा था कि हमने सपोज किया था कि हमारे पास टू सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, एक x1 और एक x2। लेकिन हमने आगे आके देखा कि x1 और x2 दोनों तो सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हेंस सोल्यूशन इज यूनिक, कि हमारे पास जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन थे वो यूनिक आए। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एक्स ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने अलजेब्रा वन में हमने आज ग्रुप को डिस्कस किया, हमने एबिलियन ग्रुप को डिस्कस किया, फिर हमने ग्रुप की एक आपको मैंने एग्जाम्पल करवाई, इसी तरह एक हमने एबिलियन ग्रुप से रिलेटेड नॉन एबिलियन ग्रुप की एग्जाम्पल की, और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप को डिस्कस किया, जिसमें हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सेकंड प्रॉपर्टी थी। तो हमने इन तीन चीजों को आज ग्रुप में ग्रुप से रिलेटेड डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह लेक्चर टू में हम इससे आगे चलेंगे और उसमें हम कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे और उसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ नई डेफिनेशंस आपको इंशाल्लाह उसमें सीखने को मिलेंगी। तो आज का जो ग्रुप है इसको आपने अच्छे तरीके से देखना भी है और इसको एक दफ़ा कोशिश करें कि इससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस लें और उसको आप सॉल्व करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।